देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब मांगने का अधिकार है। क्लियर होना चाहिए किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया और किसको दिया, अब क्लियर कर दीजिए। कभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पर सवाल नहीं उठाया, वो कांग्रेस आज पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठा रही है। What is this need? This is a democracy. It is not an elected autocracy. We need to remind this government. Transparency? Only Congress ke president permanently? Johnson was there. हमारे देश में जो समस्याएं हाल ही के कुछ महीनों में उत्पन्न हुई थी, जैसे कि लॉकडाउन में लेबर का पैदल घर जाना, बेरोजगारी और कोरोना, इन सब में सरकार की भूमिका अहम थी, पर सरकार ने सब को लेकर कोई डेटा अभी तक नहीं दिया है। सरकार ने संसद में कहा कि उनके पास किसी भी चीज को लेकर कोई डेटा नहीं है। पहले आप मोदी जी का एक बयान सुनिए जिसमें वे हिसाब किताब को लेकर बात कर रही हैं। मैं जवाबदेह हूँ, आई एम अकाउंटेबल, और इस देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब मांगने का अधिकार है, मेरी हर सोच का जवाब मांगने का अधिकार है। आई एम कमिटेड टू डेमोक्रेसी। मैं कोई किसी अमीर बाप का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी प्रधानमंत्री का बेटा नहीं हूँ, मैं सामान्य इंसान हूँ और जनता को जवाब दे हूँ। छोटे से छोटे बच्चे को भी मोदी का हिसाब मांगने का अधिकार है। पर सरकार जिस चीज का डेटा दे सकती है उसका भी नहीं दे पा रही। हम बात करेंगे आज पीएम केयर फंड को लेकर। पीएम केयर्स फंड मार्च में बनाया गया जब कोरोना ने भारत में पैर जमाने शुरू किए थे। उस समय प्रधानमंत्री द्वारा एक फंड बनाया गया जो पीएम केयर फंड नाम का था, जिसके फंड को कोरोना से लड़ने के लिए यूज किया जाना था। इस फंड के प्रधानमंत्री मोदी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं। इसके अलावा इसके ट्रस्ट में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज हैं इस फंड के। इसके बाद सवाल ये खड़ा हुआ कि पहले ही भारत में प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड बना हुआ है, तो ये नए फंड की जरूरत क्या थी? जब विपक्ष ने विरोध करना शुरू किया तब मीडिया सरकार के बचाव में उतर आया। 74 वर्ष पहले बनाए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और 2020 में बनाए गए पीएम केयर्स फंड का मकसद मोटे तौर पर एक जैसा ही था, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने कभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पर सवाल नहीं उठाया, वो कांग्रेस आज पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठा रही है। आखिर क्यों? सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि पीएम केयर्स फंड में आने वाली रकम को पीएम नेशनल रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि इसकी पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन 1948 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना की थी, तब कांग्रेस की डिक्शनरी में पारदर्शिता जैसे शब्द थे ही नहीं। पीएम मोदी ने पीएम केयर्स फंड में लोगों को दान करने के लिए कहा तो लोगों ने देश के लिए अपनी तिजोरी खोल दी। अब यही बात कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। पीएम रिलीफ फंड में कोरोना से लड़ने के लिए छोटे बच्चों ने भी अपनी गोलक तोड़ पैसे जमा किए थे। इसके अलावा एक्टर्स पर दबाव बना तो उन्होंने भी इस फंड में पैसा जमा करना शुरू किया। अक्षय कुमार ने इसमें 25 करोड़ डोनेट किए थे। इसके अलावा कई बड़े नाम शामिल हुए इस फंड में पैसा देने वालों में। टाटा ग्रुप ने 1500 करोड़ देने को कमिट किया कोविड से लड़ने के लिए। इसके अलावा मोदी जी ने चाइनीज ऐप बैन कर दिए पर उनकी तरफ से भी डोनेशन आया। टिकटॉक ने 30 करोड़ डोनेट किए और भी कई लोगों ने पूरे भारत से पैसा दिया, पर इसका कोई डेटा अभी तक सामने नहीं आ रहा है कि ये कितना पैसा आया और ये कहां पर गया। जब डेटा ना सामने आया तो कुछ लोगों द्वारा आरटीआई भी डाली गई ये जानने के लिए कि कितना पैसा जमा हो चुका है पीएम केयर फंड में, पर सरकार की तरफ से यही जवाब मिला कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। पर प्रधानमंत्री ने तो ये कहा था, इस देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब मांगने का अधिकार है, मेरी हर सोच का जवाब मांगने का अधिकार है। इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है। राहुल गांधी कभी वीडियो के जरिए या कभी ट्वीट के जरिए इस पर सवाल उठाते रहे हैं। देखिए, जो मैंने कोविड ऐप के बारे में बोला वही पीएम फंड के बारे में बोल रहा हूँ। उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया और किसको दिया, आप क्लियर कर दीजिए, ऑडिट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी कि प्रधानमंत्री केयर फंड का पैसा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में ट्रांसफर किया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। रवीश कुमार ने अपने शो में इसके बारे में अधिक जानकारी दी। देश की जीडीपी -23.9% हो गई है, लेकिन इसी आर्थिक संकट के बीच प्रधानमंत्री केयर फंड में
पांच दिन में 3,000 करोड़ से ज्यादा के फंड आ जाते हैं। ये चमत्कार आखिर हो कैसे रहा है? लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, लोगों के पास पूंजी नहीं है, लेकिन पीएम केयर फंड में पैसे पहुंच रहे हैं। क्या पीएम केयर फंड एक अलग से वित्त मंत्रालय हो जाएगा? सोचते रहिएगा, लेकिन अर्थव्यवस्था की हालत बेहद खराब है। आपको बता दें कि एनडीटीवी के खबर के मुताबिक पीएम केयर फंड पर सरकार द्वारा कुछ सवालों के जवाब दिए गए हैं। सवाल: पिछले वित्तीय वर्ष में पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा इकट्ठा हुआ? जवाब: साल 2019-20 के दौरान इसमें 3,076.62 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं। सवाल: बीते साल इस फंड में विदेशी करेंसी के जरिए कितना पैसा आया? जवाब: 39.68 लाख रुपए। सवाल: पीएम केयर्स फंड का पैसा कहां कहां खर्च किया गया? जवाब: 1 से 2,000 करोड़ रुपए से भारत में बने 50,000 वेंटिलेटर देश के सरकारी अस्पतालों में बांटे गए, 1,000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों पर और 100 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने के लिए दिए गए। हाल ही में लोकसभा में टीएमसी से सांसद महुआ मित्रा ने लोकसभा में पीएम केयर फंड के मुद्दे को उठाया और जो पैसे सरकार ने खर्च किए हैं उस पर सवाल किए। I ask you, you say you put 2,000 crores towards the purchase of 50,000 ventilators. Please lay on the table of this house how many ventilators have been physically delivered to which hospitals, to which states. Also tell us the manner of procurement. The way airwaves and the way airports are sold in this country to crony capitalists, I hope this procurement was not done by those same individuals. This is a question that we need to ask. And the dangers of these unverified foreign donations are amplified by the fact that the PM CARES fund is exempt from FCRA regulations, even though it doesn't meet the precondition of a body whose funds are audited by the CAG. You are bringing the PM CARES fund under the ambit of the same clause that governs the Prime Minister's National Relief Fund, the existing fund. What is the need to institute a new fund where one exists? Prime Ministers will come and go, but the existence of a fund is not up for discussion. What is this need to name everything after one individual? What is this need? This is a democracy. It is not an elected autocracy. We need to remind this government. सरकार की तरफ से जवाब निर्मला सीतारमण ने दिया। सुनिए उन्होंने क्या आंकड़े जारी किए कि कितना पैसा असल में जमा है और वे पैसा कहां कहां खर्च किया गया है। Considering that Prime Minister's National Relief Fund has been so strongly supported by everybody there, the leader of the opposition would have answered Honorable MOS's words, the questions that he asked. I would actually want you all to answer those questions. Did the money go to various different charity associations, or anybody was given the money from there? Transparency. You're asking for transparency? Transparency is a virtue, and I'm glad you're asking for it. And if PM in 1948 thought it fit to appoint the president of the Congress Party as one of the members, which is an unregistered, I guess, a trust, till today you didn't bother to ask it to be registered. I don't understand why. You should have actually asked, "Arey, we are running this trust. Why don't you have it registered? Register it." Transparency. Only Congress ke president permanently. Johnson was there. उनका अध्यक्ष को भी डाल देते। ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो हमारे जनसंघ के वरिष्ठ नेता को उसमें डाल देते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को डाल देते थे। नहीं, सोशलिस्ट कितने सारे वरिष्ठ सोशलिस्ट थे, राम मनोहर लोहिया जी को डाल देते थे। ट्रांसपेरेंसी वो होता है, नॉट ट्रांसपेरेंसी विद जस्ट माई कांग्रेस प्रेसिडेंट। नो, दैट्स नॉट ट्रांसपेरेंसी कांग्रेस पार्टी। खैर, पीएम केयर फंड में कितना पैसा है ये आज भी रहस्य है। अब इस पर चर्चा होनी भी बंद हो गई है। सरकार इस फंड के बारे में कोई जानकारी देना नहीं चाहती, तो सवाल तो सरकार से होते ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।